चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है वेफर प्रेशर एंड कैविटेशन इन पंप को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिटेल से बात किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कैविटेशन इन पंप, यानी पंप के अंदर कैविटेशन क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैविटेशन जो वर्ड है वो हमारा कैविटी वर्ड से लिया गया है, और हिंदी में कैविटी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, गड्ढा। यानी फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जो देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, इंपेलर है, और यह क्या हमारा पंप का केसिंग है, और यह क्या है फ्रेंड्स हमारा डिस्चार्ज लाइन है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को देखने को मिलता है कि इसके चलते क्या होता है, पंप के अंदर जो इंपेलर है या केसिंग है उसके अंदर गड्ढा गड्ढा होने लगता है, गड्ढा गड्ढा देखने को मिलता है। यानी वहां से मटेरियल जो है वो क्या होता है, इरोड हो जाता है, वहां से इरोजन हो जाता है। यह इरोजन जो है वह क्यों होता है उसके लिए हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या है, हम लोग का सक्शन लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स, और सक्शन लाइन पे यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी हमारा वाटर है इस पे एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। अगर कोई खुला में वाटर है फ्रेंड्स, उसको हम लोग को सक करना पड़ेगा, तो उस वाटर पे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा यहां पे जो है सरफेस पे फ्रेंड्स जो पी एटमोस्फेरिक जो है वो हमारा एक्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे वाटर के पास क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल है। जैसे हम लोग इस पंप को फ्रेंड्स चालू करते हैं, तो जैसे पंप चालू करेंगे तो यह क्या होगा फ्रेंड्स, रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा, और यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने की वजह से जो भी हमारा इंपेलर के आई के पास जो वाटर है वो बाहर की तरफ क्या करता है, एग्जॉर्ट करता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रेंड्स, यहां से जो वाटर एस्केप करता है सेंटर से, यानी आई से जो पानी हमारा बाहर की तरफ एग्जॉर्ट करता है, तो वह एक हाइयर प्रेशर डेवलप करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई के पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लो प्रेशर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह प्रेशर, इतना प्रेशर लो होता है कि इस वाटर को सक करने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रेशर होगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तभी जाके यहां पे सक्शन प्रोवाइड होता है। तो फ्रेंड्स, यह एग्जर्ट करने की वजह से यहां पे जो प्रेशर है वो इतना लो प्रेशर होता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लोअर प्रेशर यहां पे प्रोड्यूस होता है, यानी बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहां पे हमारा वैक्यूम प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमारा जो सक्शन है यहां पे हमारा आई के पास, इंपेलर के आई के पास वाटर जो है यहां से सक करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हायर प्रेशर जो है लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यह वाटर था यहां पे, जैसे लो प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो वाटर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे आई के पास आएगा, और फिर यह क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा, और एग्जर्ट करके हमारा यहां पे वाटर डिस्चार्ज होके जो भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो वाटर इस पाइप के अंदर फ्लो करता है उसका कुछ ना कुछ अपना प्रेशर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स लोकल प्रेशर। इसके क्या पास कुछ भी प्रेशर है जिसको हम लोग लोकल प्रेशर बोल दिए। तो फ्रेंड्स, यहां पे क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे जैसे हमारा पाइप के अंदर वाटर फ्लो होगा तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, इसका प्रेशर डिक्रीज होते रहेगा, क्योंकि यहां पे फ्रेंड्स क्या है हमारा, लो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो फ्रेंड्स, इस आई के पास, जो हमारा इंपेलर के आई के पास, अगर हमारा यह जो लोकल प्रेशर है वह अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाए, वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो यहां पे क्या होता है, यह जो वाटर है फ्रेंड्स वह वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, और यही जो वेपर है हमारा इंपेलर के अंदर कोलैप्स होने की वजह से जो है बहुत ही ज्यादा हायर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह से उस पार्टिकुलर एरिया को जहां पे भी वो फटता है, जहां पे भी कोलैप्स होता है, उस एरिया को क्या करता है, इरोड कर देता है। तो फ्रेंड्स, यह जो वेपर प्रेशर है वह क्या होता है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी लिक्विड हो, कोई भी फ्लूइड हो फ्रेंड्स, उसका अपना एक वेपर प्रेशर होता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक कोई क्लोज कंटेनर है, मतलब कोई क्लोज कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया है फ्रेंड्स, मान लीजिए वाटर इसके अंदर हम लोग फिल किया है, और इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लीजिए फ्रेंड्स 45 डिग्री सेल्सियस है, और यह किस पे है, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है फ्रेंड्स, यह जो वाटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो फ्रेंड्स, एक चीज हम लोग जानते हैं कि वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, यानी जो वाटर हमारा बॉइलिंग करता है वो कितना डिग्री पे करता है फ्रेंड्स, 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या किए, यहां से हमने हीट प्रोड्यूस किया, यानी इस वाटर को हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, हीट देना प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो यह हीट देने से फ्रेंड्स क्या होगा, और हीट देके फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर जो है फ्रेंड्स मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस ला दिए, तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो यह जो वाटर का फ्री सरफेस है, यहां से जो वाटर है क्या करेगा फ्रेंड्स,
स्टीम फॉर्म करने लगेगा या अपना फ्री सरफेस को छोड़ देगा फ्रेंड्स, और क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे स्टीम फॉर्मेशन होने लगेगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि यह जो स्टीम है फ्रेंड्स, इसके फ्री सरफेस पे, टॉप सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो फ्री सरफेस पे यह जो स्टीम है वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स वेपर प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं कि वेपर का प्रेशर, यानी किसी भी लिक्विड के ऊपर जब वेपर जो है एक प्रेशर अप्लाइड करता है, फ्री सरफेस पे जब प्रेशर अप्लाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। फ्रेंड्स हम लोग देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है फ्रेंड्स, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स यह जो टेम्परेचर है, सेचुरेशन टेम्परेचर, वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स इसके प्रेशर के ऊपर। यानी जो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड के प्रेशर के ऊपर। यानी फ्रेंड्स जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होगा, और जैसे हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग एक चीज देख लेते हैं, जैसे हमने क्या किया फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी 1.01 बार पे हमने सेचुरेशन टेम्परेचर देखा, तो फ्रेंड्स कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ्रेंड्स आप इसको 2 बार पे अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस आता है। अगर वही फ्रेंड्स अगर आप 3 बार पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स फ्रेंड्स 135 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो सेचुरेशन टेम्परेचर है, कैलकुलेट करने के लिए या तो आप स्टीम टेबल से जा सकते हैं या डायरेक्ट इसको करना है फ्रेंड्स, तो डबल अंडर रूट जो भी प्रेशर है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सेचुरेशन टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप इसको 3 पे कर लीजिए, तो अंडर रूट डबल अंडर रूट 3 × 100 करेंगे तो आपका जो सेचुरेशन टेम्परेचर लगभग इतना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहां पे कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रेशर है हम लोग अब रिड्यूस करेंगे, अगर इसका प्रेशर 0.095 बार ला देंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस है। यानी फ्रेंड्स यहां पर हमको कोई हीट का एडिशन नहीं करना पड़ेगा, केवल हमारा यहां पे जो प्रेशर है, अगर हम इस प्रेशर को फ्रेंड्स कितना कर देंगे, इतना, यानी 0.095 बार। अगर फ्रेंड्स जैसे हमारा प्रेशर इतना होगा तो बिना हीट एडिशन का यह जो वाटर है किसमें स्टीम फॉर्मेशन करने लगेगा, और यह जो है यहां पे स्टीम फॉर्मेशन होगा, और स्टीम जो है खुद का अपना प्रेशर जो है एग्जर्ट करेगा वाटर सरफेस पे, जिसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। यानी फ्रेंड्स यहां पे जो आई के पास जो हमारा प्रेशर है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि यह जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर यानी 0.095 बार से कम कभी नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे वेपर प्रोड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा वाटर जा रहा था यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, वाटर के साथ साथ इस प्रेशर पे यहां पे क्या होगा, वाटर के साथ साथ यहां पे वेपर भी फॉर्म होने लगेगा, यह जो वेपर है फ्रेंड्स यहां पे प्रोड्यूस होने लगेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो वेपर है उसका क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हायर होता है वाटर के अपेक्षा, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग वाटर को गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है नियरली 1600 टाइम्स इसका एक्सपेंड होता है। अगर वाटर को अगर गर्म करेंगे फ्रेंड्स, तो उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो 1600 गुना इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो वॉल्यूम होगा वह क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। यानी जो वाटर मान लीजिए फ्रेंड्स इस टाइप का शेप में है, तो इसका जो जो वेपर होगा वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा बड़ा वॉल्यूम एरिया ऑक्युपाई करेगा। तो फ्रेंड्स जैसे हमारा यह जो वाटर प्लस वेपर हमारा यहां पे आएगा फ्रेंड्स, और यह क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते यहां पे हायर प्रेशर जोन में जाएगा। जैसे हमारा वाटर प्लस वेपर हाई प्रेशर जोन में आता है, तो इसका मान लीजिए फ्रेंड्स प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर जैसे इंक्रीज होता है फ्रेंड्स, इसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। बट हमारा अभी भी टेम्परेचर कितना है फ्रेंड्स, 45 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है फ्रेंड्स, हाई प्रेशर जोन में भी हमारा टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस ही है। तो फ्रेंड्स यहां पे यह जो वेपर है वह क्या होगा, कंडेंस होने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा फ्रेंड्स, इसके वेपर के चारों तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा वाटर है वह इसके चारों तरफ वाटर अवेलेबल रहेगा, वाटर इसके चारों तरफ रहेगा। तो वाटर क्या करेगा फ्रेंड्स, इस पे प्रेशर एक्ट करेगा, चारों तरफ से प्रेशर क्या करेगा फ्रेंड्स, एक्ट करेगा। तो यह जो वेपर है फ्रेंड्स, वेपर के अंदर क्या है फ्रेंड्स, यानी लेटेंट हीट है। तो अभी फेज चेंज करना मतलब कि उसके अंदर लेटेंट हीट है। तो फ्रेंड्स यह क्या करेगा, अपना हीट डिसिपेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ से क्या है फ्रेंड्स, एक फोर्स एक्ट है। और यह जो वाटर है फ्रेंड्स, यह क्या कोशिश करेगा, इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, इसको छेदने का, बाहर निकलने का, यहां से ही इसके एरिया से जो हमारा वेपर का जो एरिया है इसी एरिया से वो निकलने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स जैसे हमारा यह वेपर कंप्रेस होगा तो देखिए फ्रेंड्स इसका एरिया जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी भी हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर का जो फोर्स है फ्रेंड्स इसके ऊपर एक्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा यह इंपेलर है उसको मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इंपेलर के एरिया के पास हमारा यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा, तो फ्रेंड्स जो हमारा वाटर है जब इसको कंपोज करते करते डीकम्पोज पूरा एकदम कंप्रेस करते करते एक ऐसा पार्ट आएगा कि इसके एरिया इसको क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा, फुली पेनिट्रेट कर देगा। तो जब पेनिट्रेट करेगा फ्रेंड्स तो यह जो स्टीम जो है, जो वेपर है वह क्या होगा फ्रेंड्स, टू हाफ में हमारा मतलब जनरेट हो जाएगा। और यहां से जो है वाटर क्या करेगा फ्रेंड्स, इसको कंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाया है, वाटर जो है इसको कंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाया है। और जब यह कंप्रेस होगा तो इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, स्टीम के अंदर खुद का लेटेंट हीट जो है वो कंप्रेस होने की वजह से और भी ज्यादा वो हीटेड हो गया है, स्टीम जो है और भी ज्यादा उसके अंदर हीट कंटेंट हो गया। मतलब प्रेशर टेम्परेचर, जब भी कोई लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर टेम्परेचर भी क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होता है। तो इसके पास बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट अवेलेबल है। और जैसे यह जो स्टीम जो है, जैसे वेपर जो बबल है फ्रेंड्स, जैसे ब्रेक होता है तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसको हम तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जो वाटर का फोर्स है बहुत तेज लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जैसे टूटेगा वह एक बहुत ही ज्यादा हाइयर प्रेशर से जहां पर भी जाएगा वो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि अचानक जो इसका अपोजिट जो रेजिस्टिंग फोर्स था, जो स्टीम के पास जो स्टीम था वो तो टूट गया, वो डायरेक्ट क्या करेगा, जहां पे भी पड़ेगा उस एरिया पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो हमारा स्ट्राइक करता है किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स माइक्रो जेट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, माइक्रो जेट। यहां पे माइक्रो जेट प्रोड्यूस होगा, वाटर जो है एक हाई जेट की वजह से जेट प्रोड्यूस करेगा और वो स्ट्राइक करेगा जो हमारा ब्लेड है उस पे, जो हमारा इंपेलर है उस पे, या जहां पे भी यह प्रोसेस होगा, जहां पे भी यह कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा वहां पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो जैसे स्ट्राइक करता है फ्रेंड्स तो यहां पे एक हायर वेलोसिटी होता है, क्योंकि वाटर जो है एक बहुत ही माइक्रो साइज में देखेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी की से क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो इस एरिया का जो भी मटेरियल है उसको क्या करेगा फ्रेंड्स, इरोड कर देगा, वहां से रिमूव आउट कर देगा, क्योंकि बहुत ही हाई वेलोसिटी से वहां पे वाटर जो है स्ट्राइक करता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे जैसे इरोड करेगा तो क्या करेगा फ्रेंड्स, जैसे स्ट्राइक करेगा तो यहां पे एक शॉक वेव भी प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा यह तालाब है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एक पत्थर का टुकड़ा जो है उस पे फेंक दिए, ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, वेव प्रोपिगेट होता है, वेव हमारा चारों तरफ फैलता है, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ही जब इसके अंदर जो वाटर जो है, यहां पे जो स्टीम बबल है, जब वो ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, एक शॉक वेव क्रिएट, जब यह टूटेगा तो फ्रेंड्स क्या करेगा, पीछे की तरफ इधर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिसके वजह से यह तो क्या होगा, फिर यह कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है, यह वाटर में मिक्सअप हो जाता है, लेकिन इसके वजह से एक वेव प्रोपेगेट होगा। तो इसके वजह से एक हमारा वाटर जेट की जो माइक्रो जेट है उसके वजह से और शॉक वेव प्रोड्यूस होने की वजह से फ्रेंड्स यहां पर क्या होता है, यह पंप के अंदर यह सारा चीज प्रोसेस होता है, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है, गट 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 गट, अगर आप यहां पे खड़ा होकर सुनेंगे तो फ्रेंड्स इस टाइप का आपको नॉइज देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी मटेरियल है उसको क्या करेगा, इरोड करेगा, और यहां पे इसके वजह से जो शॉक वेव प्रोड्यूस होने की वजह से यहां पे बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और फ्रेंड्स जो इसका फ्लो जो डिस्चार्ज जितना हो रहा था उतना डिस्चार्ज भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली जो हमारा पंप का डेथ होता है, मृत्यु जो होता है फ्रेंड्स, वो ड्यू टू कैविटेशन होता है। कैविटेशन की वजह से हमारा जो इंपेलर का जो लाइफ है जितना लंबा होना चाहिए, जो केसिंग का लाइफ है जितना होना चाहिए फ्रेंड्स, उतना नहीं जा पाता है, यानी जो अकाल मृत्यु जो होता है पंप का, वो फ्रेंड्स हमारा ड्यू टू कैविटेशन की वजह से ही होता है। तो फ्रेंड्स हमको कभी भी जो सक्शन के पास जो प्रेशर रखना है वह क्या है फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर से कभी भी ज्यादा रखना है। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियो में हम लोग NPSH यानी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, यानी यहां पर पॉजिटिव सक्शन हेड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग NPSH के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यह हुआ हमारा ऑल अबाउट वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन इन पंप के बारे में। उम्मीद करता हूं कैविटेशन आपको समझ में आ गया होगा और इससे हम लोग को बचना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर प्लांट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।